आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलरियागंज बाजार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार के राधा कृष्ण मंदिर में कीर्तन भजन का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक कथा के माध्यम से बाजार वासियों को राम की जीवनी पर प्रकाश डालकर कथा सुनाते हैं। इसके अलावा देश दुनिया की उपमा देकर बाजार वासियों को समझाते हैं। इसी कड़ी में अनिल दुबे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? अनिल कुमार दुबे। सरकार में आने के बाद आपका कर्तव्य कर्म क्या है? माता के गर्भधाम में जाकर के आपने जो दुख सहा, जो यात्राएं आपने सहा, आप शायद उसको भूल गए हो। जन्म लेने के बाद आपका चिंतन कहीं और चला गया और माता के गर्भधाम का दुख आप भूल गए। जो लोग अपने दुख को याद रखते हैं, अपने बचपन को याद रखते हैं, वो कहीं कोई गलती नहीं करते। और सबके साथ एक व्यक्ति जो है, अगर किसी माता के गर्भ से पैदा होता है तो एक पूरी दुनिया का पुत्र होता है, किसी एक व्यक्ति का वो पुत्र नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति वो होता है जो अपने को यह मानता है कि मैं पूरी दुनिया का पुत्र हूँ, वो पूरी दुनिया के लिए कार्य करता है। अपने लिए केवल नहीं काम करता, आज हमारे देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो विदेश के हमारे वैज्ञानिक हैं, वो लोग पूरे दुनिया के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे उनके चिंतन में इस देश का विकास कैसे हो सकता है, ऐसे में उन लोगों ने ऐसा कार्य किया है। इसलिए जो कार्य करता है उसी को सम्मान मिलता है, उसी का आदर होता है। जो लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, उनका आदर सम्मान अपने आप होता है, उनके सम्मान को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सज्जनों में कहना चाहता हूँ कि अहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरे परंतु जो मरे कि याद जो करे सभी, मरे परंतु जो मरे कि याद जो करे सभी। ऐसा कार्य आप करिए समाज में, इस राष्ट्र में, इस देश में, इस परिवार में, कि ताकि आपके कर्म की सुगंध जो है लोगों को काफी लाभान्वित करे और आपका जीवन धन्य बने। समाज के लोगों के बीच में, राष्ट्र में रहते हुए आप दुनिया के सेवक बन करके अपने नाम के अभर अपने द्वारा फारा में अपने कर्मों की सुगंध से लोगों को लाभान्वित करें, यह हमारा अपना विचार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।